स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ। ओके, अब तक हम ये जानते हैं कि किसी भी फिक्स्ड एंड की इम्पीडेंस को हम इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। और ये एक जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टू फिक्स्ड एंड को एक्स इक्वल ज़ीरो एंड एक्स इक्वल्स एल, यानी हमारे पास टू बाउंड्रीज हैं एंड दिस बाउंड्रीज आर द फिक्स्ड एंड, एंड एट अ फिक्स्ड एंड वी नो दैट द इम्पीडेंस इज हेयर इन्फिनाइट। सो जी वैल्यू ऑफ जी हेयर इज एट बोथ ऑफ दीज एंड्स इज इन्फिनाइट। सो अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज क्लैम्प्ड एट दीज टू एंड्स, इट इज दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट दीज टू एंड्स, and if it is so, then a wave is reflected back whenever it reaches at a fixed end. तो जब भी वेव इन दोनों में से किसी भी फिक्स एंड पे पहुँचेगी, so this wave will be reflected back, ठीक है। so if और इस तरह से जो हमारा जो wave pattern बनेगा, तो इस wave pattern को हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, ठीक है। ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक लेंथ एल की एक स्ट्रिंग है और विच इज फिक्स्ड एट इट्स बोथ हैंड्स एंड देर इज ओनली वन लूप इसमें बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की स्टैंडिंग वेव्स में, तो इस स्टैंडिंग वेव्स को अब हम डिस्कस करते हैं। वी कंसीडर द सिंपलेस्ट केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ वन फ्रीक्वेंसी ओमेगा विद एन एम्पलीट्यूड ए ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं कि हम एक मोनोक्रोमेटिक वेव विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा हम सपोज करते हैं और दिस वेव इज ट्रेवलिंग विद एन एम्पलीट्यूड ए in the positive x direction, and when this wave will reach at the boundary at a fixed end, then it will be reflected back with an equal amplitude b in the negative x direction. So we can write the displacement function of this wave as follows. तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को हम लिखेंगे ए ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये मैंने इंसिडेंट वेव के लिए लिखा है एंड इंसिडेंट वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और जो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रही हैं उनको हम ओमेगा टी माइनस के एक्स से हम लिख रहे हैं। इस तरह फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव आई कैन राइट बी, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने बी सपोज किया हुआ है एंड बी ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो आई कैन लेबल इट एज इक्वेशन नंबर वन। सो हेयर आई वी सपोज दैट वाई equals 0 at the fixed end. So at fixed ends where x equals 0 and x equals L. So at these fixed ends the displacement function y would be 0 for all times. At all times. So if we use these conditions in our equation 1, so we will get our equation would be a plus b e to the power iota omega t. So it's for all t. Okay. So from here I can get a equals minus b. ठीक है, यानी अगर मैं अपनी इक्वेशन वन में अगर मैं x को ज़ीरो पुट करूँगा, ठीक है, और के एक्स को यहाँ ज़ीरो पुट करूँगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे के एक्स करूँगा तो ये ज़ीरो पुट हो जाएगी, ठीक है। तो y आई नो दैट दैट इज़ ज़ीरो,
ठीक है, तो इन दैट केस आई विल गेट ए इक्वल्स माइनस बी. सो विच शोज दैट अ वेव इज आइदर a wave in either direction meeting the infinite impedance at either end is completely reflected with a pi phase change in the amplitude. So this is the general result for all wave shapes and frequencies. यानी इसका मतलब ये है कि incident wave और reflected wave का amplitude same है, but both have a phase difference of pi. So if we use A equals minus B in equation 1. So we will get, so I am putting this result in my equation 1. So in that case, I will get Y will be equal to A e to the power iota omega t e to the power minus iota kx minus e to the power iota kx. यानी मैंने इस equation में a equals minus b put किया, ठीक है, b की जगह पे अगर मैं minus a put करूँगा, so in that case I can take a common along with e to the power iota omega t, so I will reach at this result. थोड़ी सी इस इक्वेशन में मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि इसमें मैं एक आइडेंटिटी यूज कर सकूँ. सो आई विल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय माइनस टू आयोटा. सो इफ आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस टू आयोटा, सो आई विल दिस इक्वेशन वन will get a shape minus 2 iota a e to the power iota omega t e to the power iota k x minus e to the power minus iota kx divided by 2 iota. यानी मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने माइनस 2 iota से मैंने मल्टीप्लाई किया. तो अगर मैंने माइनस 2 iota है तो यहाँ पे मैंने इसका साइन भी चेंज किया, यानी कि पॉजिटिव टर्म को मैंने पहले लिखा और नेगेटिव टर्म को मैंने बाद में लिखा, तो यहाँ से भी ये यहाँ माइनस हो जाएगा ये वाली टर्म e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा की एक्स वाली टर्म माइनस हो जाएगी और जो सेकंड टर्म है पॉजिटिव हो जाएगी. तो इसलिए मैंने इनका इनको मैंने यहाँ भी रीअरेंज किया. तो यहाँ पे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है. तो मैं जानता हूँ कि आई कैन राइट इट साइन ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू e टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई टू आयोटा, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है. यहाँ पे मैं अगर आयलर्स थ्योरम यूज़ करूँ तो ये ई टू द पावर आयोटा थीटा या ई टू द पावर आयोटा एक्स फॉर्म हुई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, एंड ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स वुड बी कॉस एक्स माइनस, ओके. सो इफ आई कॉस की टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और टू आयोटा साइन एक्स मेरे बचेगा और टू आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है. इसी तरह अगर दरमियान में यहाँ पॉजिटिव का साइन हो ई टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, तो उस केस में क्या होगा कि जो साइन की टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा कॉस एक्स आएगा. बहरहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो साइन ऑफ एक्स आएगा. तो मैं मेरी इक्वेशन जो होगी ये इस तरह से बन जाएगी माइनस टू आयोटा ए ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी साइन ऑफ के एक्स, एंड आई कैन लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 2.
So equation 2 is an expression for y which satisfies the standing wave time independent form of the wave equation. So it satisfies our wave equation as partial square y our partial x square plus k square y equals 0. So we can write it like this, because 1 over c square partial square y over partial t square equals minus omega square over c square into y, or I can write it minus k square y. So the condition that y equals 0 at x equals L for all t requires that if y is equal 0 at x equals L, so it would be valid if sine KL equals sine omega over C L equals 0. यानी यहाँ हमारे पास two boundaries हैं. एक बाउंड्री हमारे पास x equals 0 है और दूसरी बाउंड्री हमारे पास x equals L है. And these two we have considered as fixed ends. So पहले हमने equation 2 find की है for x equals 0 के लिए, और अब हम second condition अगर यहाँ पे apply करते हैं x equals L, so उसके लिए हम क्या condition apply करेंगे कि यहाँ पे जो displacement function की value यहाँ पे 0 हो. So हमारे पास sine का जो argument that should be equal to 0, ठीक है. और अगर मैं इसमें k, हम जानते हैं कि omega over c के equal होता है, ठीक है, इसको अगर मैं put करूँगा तो sin omega c by l मैं लिख सकता हूँ. और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये condition कि omega l over c equals n pi, ठीक है. तो यहाँ पे मैं condition लिख सकता हूँ. So हमारे पास जो allowed frequencies होंगी that would be omega n. अगर मैं allowed frequencies को omega n से denote करूँ तो उसके लिए मेरे पास relation ले जाएगा. I can find here omega from equation 3, so it would be n pi c by l. Okay, so I also know that omega equals 2 pi nu. Nu here is the frequency, so if I put here the value of omega n, and I can replace it by 2 pi nu n, so then I will be left with n pi c by l, and I can cancel here pi from both sides, and so I will be left with nu n would be equal to n c by 2l. So the allowed frequencies would be this one n c by 2l. So this will depend upon the length of the string, okay, and n here is a number. Okay, and from here I can also write relation for the length of the string. So length of the string n, so I can also put here the value of lambda n. So I know that lambda n equals to 2l by n, and before this I know that c equals nu lambda. Okay, c equals nu lambda, and I can also use lambda n equals 2l by n. Okay, so in this, if I will use these values, so I will get c by lambda n, and from here I can also write l would be equal to n lambda n by 2. Okay.
So it will give us sine omega n x by L would be equal to sine n pi x over L. And I can label it as equation number 4. So I can write equation 4 from equation 3. Okay, so these frequencies are the normal frequencies, or we can say these are normal modes of vibration, and these are also known as eigen frequencies in wave mechanics. So we can say that these allowed frequencies are exact half exact number of the half wavelengths. Okay, these allowed frequencies are always exact number of half wavelengths. Okay, and as we can see in the figure, in this figure, that the first four harmonic modes are shown in a string with length L, okay, between two fixed ends. Okay, so n equals 1, 2, 3, 4. So for n equals 1, for this normal mode of vibration, there is only there will be only one loop formation. For n equals 2, there will be two loop formation, and for n equals 3, there are three loops, and for n equals 4, there are four loops. So here n equals 1 is known as the fundamental mode of vibration. Ye sare modes of vibration at the same time present ho sakte hain. Theek hai, at a time ye sare modes of vibration kisi bhi string of length L mein ye present ho sakte hain. Theek hai, aur in that case the general displacement is the superposition of the displacement at each frequency. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड एंड पे एम्पलीट्यूड जीरो है. ठीक है, तो फिक्स्ड एंड की पोजीशन को हम r इक्वल्स जीरो और r इक्वल्स l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं n इक्वल्स थ्री में ये पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, या ये पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है. तो इन तमाम पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं. ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स को, ऐसे तमाम पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा उनको हम नोड्स कहते हैं, और ऐसे तमाम पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा इन पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स कहते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आई कैन आल्सो राइट द डिस्प्लेसमेंट फॉर द nth हार्मोनिक मोड. सो द डिस्प्लेसमेंट फॉर द nth हार्मोनिक मोड वुड बी, सो आई कैन राइट as yn would be equal to 2a minus iota cos of omega nt plus iota sine of omega nt sine of omega n x divided by c. Okay, and we can also express this in another form, so it would be a n cos of omega n t plus b n sine of omega n t into sine of omega n x divided by c. So here I have written 2a equals, I replaced 2a with a n square plus b n square, and which is the amplitude of the nth mode.
Okay, and this is the amplitude of the nth mode. इसके साथ ही हम एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो ये स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होती है? ठीक है, अगर तो हमारे पास इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो, सो इफ़ ए इक्वल्स माइनस बी, ओके, सो इन दैट केस वी विल गेट नोडल पॉइंट्स विथ ज़ीरो एम्पलीट्यूड्स। ओके, सो हमारे पास जो हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा और यहाँ जहाँ पे हमें ज़ीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो उनको हम नोड्स कहते हैं। और एस और अगर तो आप हमारी वेव जो है वो सारी की सारी वेव जो है फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है, तो और ए इक्वल्स माइनस पी की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो ए इज़ दी एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड बी इज़ दी एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, सो इन दैट केस वी विल गेट नोडल पॉइंट्स विथ ज़ीरो एम्पलीट्यूड्स एंड वी विल गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स एज डबल ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, ट्वाइस ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। ओके, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, ठीक है, और जो हर समटाइम्स ऐसा होता है कि नोड्स पे हमें ज़ीरो एम्पलीट्यूड नहीं मिलता, ठीक है, वहाँ पे भी कोई ना कोई मिनिमम जो एम्पलीट्यूड्स के पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें जो है ज़ीरो एम्पलीट्यूड नहीं मिलता, तो वहाँ पे कोई ना कोई एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है। सो इन दैट केस वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशेंट। सो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट वी नो दैट बी वन ओवर ए वन, सो इफ अ प्रोग्रेसिव वेव सिस्टम इज पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए बाउंड्री, ठीक है, देर इज़ नो 100% रिफ्लेक्शन, देर इज ओनली अ पार्शियल रिफ्लेक्शन, सो इन दैट केस वी कैन राइट द रिफ्लेक्शन कोफिशेंट एज बी वन ओवर ए वन ऑफ द आइदर सेक्शन, सो इन दैट केस वी कैन राइट द स्टैंडिंग वेव एक्सप्रेशन एज, सो वी कैन राइट दिस द फार्मूला फॉर द स्टैंडिंग वेव एज, सो स्टैंडिंग वेव रेशियो वुड बी ए वन प्लस बी वन एंड ए वन माइनस बी वन। यानी यहां पे हमने रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को हमने कहा है कि बी वन डिवाइडेड बाय ए वन, यानी बी वन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड ए वन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। तो जो इस केस में हम अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रही है, 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो इस केस में जो हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा डैट वुड बी ए वन माइनस बी वन, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए वन प्लस बी वन। तो इन मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशियो को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो, और इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म वन प्लस आर एंड वन माइनस आर, सो हेयर आर इज माई रिफ्लेक्शन कोफिशेंट, सो आई हैव रिटन आर मीन्स बी वन अवर ए वन। कैन ऑल्सो राइट दिस फार्मूला इन अदर फॉर्म, इफ आर इक्वल्स बी वन अवर ए वन देन इट विल बी इक्वल टू एस स्टैंडिंग वेव रेशियो माइनस वन एंड स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस वन। सो मैं अपने जो स्टैंडिंग वेव रेशियो के फार्मूला को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एस डब्ल्यू आर मीन्स स्टैंडिंग वेव रेशियो।